दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने ओलंपिया मेंस ओपन प्रिडिक्शन के ऊपर डाली थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं कोई अपडेट नहीं देने वाला, ये तो चलता ही रहेगा। अपडेट्स तो ओलंपिया तक आपको लगा था, मैंने बोला था कंटेंट तो मिलता ही रहेगा। तो बस आज हम दोबारा से अपडेट्स लेकर के आए हैं और सारे उन्हीं बॉडी बिल्डर्स के जो मेंस ओपन डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली स्टार्टिंग करते हैं सैमसन दौदा के साथ में। देखो जैसे मैंने वो वाली प्रिडिक्शन वाली वीडियो बनाई थी, उसी के बाद एकदम से वही सैमसन दौदा वाला अपडेट आ गया था। और ये वो अपडेट है जिसमें कि फिलहाल ये अपनी फिजिक शेयर करते हैं और दौदा अपनी फिजिक काफ़ी हद तक दिखाने की कोशिश करते हैं एक मेंस फिजिक एथलीट के तौर पर। पोज वैसा ही हिट कर रहे हैं और कैप्शन में लिख भी दे रहे हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट गाय ऑन स्टेज बट विद अ मेंस फिजिक वेस्ट मास एंड एस्थेटिक इन वन। तो ये वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरे पास वही एक स्मॉल वेस्ट है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे स्मॉल है नहीं इनके पास में, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ये इस तरीके से खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि साइज़ हद से ज़्यादा है ऊपर। और एक्चुअली में बात यही है कि अगर आप अपनी वेस्ट को बिल्कुल ही कंट्रोल कर लेते हो तो अपर बॉडी तो आपकी बड़ी दिखेगी। वो एक इल्यूजन अगर ये पैदा कर लेते हैं इस बार तो बहुत ज़्यादा टाइट इनकी ग्रैब हो जाएगा, एक होल्ड हो जाएगा इनका टाइटल के ऊपर में। फिलहाल ये इस तरीके से नज़र आए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने इनको इस फिजिक पे भी ट्रॉल कर दिया। कई लोगों ने बोला कि यार ये बहुत स्मॉल लग रहे हैं, इनकी चेस्ट, इनके शोल्डर्स, इनकी बॉडी में कहीं पे कोई हार्डनेस नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही और वेस्ट भी कोई ऐसी बहुत स्मॉल नहीं है जितनी ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये सब वही बातें आ जाती हैं अगेन इंस्टाग्राम पे देख करके इन एथलीट्स को जज करना, यार ये किस लेवल पे कंपीट कर रहे हैं शायद उस चीज़ को हम लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे। देखो मैं कोई सैमसन दौदा का फ़ैन नहीं हूँ, मैं एक बॉडी बिल्डिंग का फ़ैन हूँ और बहुत पहले से ये बॉडी बिल्डर्स इस चीज़ को करते आ रहे हैं, कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ नहीं है। अगर यहाँ पर आपको इंप्रेसिव नहीं दिख रहे स्टेज पे तो दिखेंगे ही दिखेंगे, इनका काम वहाँ पर ही अच्छे दिखने का है। तो अगेन मैं यहाँ पर सैमसन दौदा को डिफेंड करूँगा और कोई भी अगर बॉडी बिल्डर यहाँ पर कैसा भी पिक्चर पोस्ट करता है ना, निक वॉकर हो, हार्डी शुपन हो, डेरेक हो, मैं सबको डिफेंड करने वाला हूँ क्योंकि सब लोग स्टेज पे ही अच्छा दिखते हैं। यहाँ पर वो एंगल कभी कभार बन पाता है, कभी कभी नहीं भी बन पाता है। तो इस वक्त तो इनको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छे दिखते हैं और फोटो में वो चीज़ निकल के नहीं आ पा रही है जो रियलिटी में दिख रहे होंगे। फिलहाल इस फोटो से काफ़ी सारे लोगों ने फिर भी इनको जज कर लिया है, लेकिन फिर भी सैमसन दौदा एक सबसे तगड़े कंपेटिटर इस बार निकल के आने वाले हैं और सही में टाइटल ग्रैब ये कर लेंगे ऐसा बहुत लोग मान करके चलते हैं। इनका जो कमेंट सेक्शन है इन्हीं के इसी इंस्टाग्राम पेज पे, तो वहाँ पर तो क्लियर है लोग कि यही इस बार जीतने वाले हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। बाकी और भी एथलीट्स हैं दोस्तों लाइनअप में और सबके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगला अपडेट आ जाता है निक वॉकर के ऊपर में और निक वॉकर ने क्लियर एकदम कर दिया है कि देखो मैं यहाँ पर सब लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ, हार्डी शुपन, डेरेक लंसवर्थ सबको मैं मान रहा हूँ, सब लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस साल का मिस्टर ओलंपिया जीतूंगा मैं ही। और फिर से वो इस क्लेम को कर रहे हैं। निक ने बोला कि मैं पहले भी ये क्लेम करते आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मैक्सिमम कर रहा हूँ और इस बार भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ में ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैं इस मिस्टर ओलंपिया टाइटल को जीतूंगा, मैं एक नया चैंपियन निकल के आऊँगा। सच बताऊँ निक वॉकर का क्लेम अब तो मुझे उतना गलत लगता भी नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से चैंपियंस बदल रहे हैं ना साल भर साल, कुछ भी हो सकता है, जजेस को जो पसंद आ रहा है वो ऊपर उसको रख देंगे। लेकिन फिर भी निक वॉकर की फिजिक उतनी प्लीजिंग नहीं है, उतना स्ट्रक्चर उनका फेवरेबल नहीं है आज के जजिंग कंडीशंस को देखते हुए। यहाँ पर निक ये बताते हैं कि उनकी जो प्रेप है वो एकदम स्मूदेस्ट प्रेप जा रही है, फिर उनकी बॉडी जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है वो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से कर रही है, नतीजा उनकी बॉडी चेंज हो रही है और एकदम से वो मास इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखो ये तो क्लियर है, उनकी बैक जिस तरह इंप्रूव हुई, उनके लेग्स जिस तरह इंप्रूव हुई, उनकी चेस्ट में भी थोड़ी बहुत थिकनेस नजर आई, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहे, फोटोज तो झूठ नहीं बता रही। और ये इन्होंने बिल्कुल अभी का अपना अपडेट डाला लेग्स मारने के बाद में ये फोटो है, तो वही एंगल उतना फेवरेबल नहीं है तो लेग्स उतने बड़े नहीं नजर आ रहे हैं। निक का यहाँ पर आप फिलहाल डेथ फेस भी देख सकते हो ये जो अपडेट आया इसके अंदर में। निक अब ये बोल रहे हैं कि 3 हफ्ते पहले मैं अभी ये जो उन्होंने बातें बताई ना कि मैं मिस्टर ओलंपिया बनूंगा, मेरी प्रेप बहुत अच्छी जा रही है, सब बातें 3 हफ्ते पहले वाली वीडियो की इनकी थी जो उन्होंने पोस्ट करी कुछ टाइम पहले करी। ये कह रहे हैं 3 हफ्ते पहले मेरी बॉडी ऐसी दिख रही है जैसे पिछले साल तक 1.5 हफ्ते पहले दिखती है, तो इसका मतलब ये उतने ही ज़्यादा शार्प है 3 हफ्ते पहले से और पहले से ज़्यादा भारी है। देखो लास्ट ईयर निक ने क्लियर बताया कि मैंने कम्पीट किया 255 LBS के स्टेज पे, इस बार 3 हफ्ते पहले ये 268 के वजन पे चल रहे हैं। इसका मतलब अगर हम अंदाज़ा पकड़ के चले, अभी थोड़ा बहुत और ये श्रेडिड आएंगे जितना अपने आप को छीलेंगे, तो छीलते छीलते 260s की लाइन के आसपास ही ये आएंगे और वापस से जब ये फुल एकदम ब्लोन लोडिंग करके श्रेडिड होकर के आएंगे, वेन्स अपनी दिखाएंगे बॉडी की स्टेज पर, मेरे हिसाब से ये 266-265, तो वहीं पिछले साल अगर 255 पे थे, इस बार अगर ये 10 LBS भारी आ रहे हैं या 8 LBS भारी आ रहे हैं तो अच्छा खासा ये भी एक इंक्रीमेंट है। तो निक वॉकर इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनको पता है वो ये सारी चीज़ें करके लाएंगे
और मैं एक्चुअली में इसलिए भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि वो हमेशा कंडीशन आते हैं अपनी तरफ से। हालांकि उनकी बॉडी में बहुत जगह पर हार्डनेस नहीं दिखती, लेकिन स्टिल अपनी तरफ से वो जितने रिप्ड आ सकते हैं वो आते हैं। इस बार देखते हैं ये 260 की लाइन में एग्जैक्टली किस वेट पे कम्पीट करेंगे और पिछली बार से कितना ही अपना वेट इंक्रीज करके लाएंगे। जितना मैंने अंदाज़ा पकड़ा मैंने आपको बता दिया, लगभग 7 से 8 LBS के आसपास इनका वजन ऊपर होना चाहिए लास्ट ईयर से। तो अच्छी बात है यार, बेस्ट ऑफ लक इनको। मैं तो बहुत ज़्यादा सही में चाहता हूँ यार, ये निक वॉकर, डेरेक हार्डी, ये तीनों एथलीट्स टॉप 3 में इस बार भी आने चाहिए, जो मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन वाले सेक्शन में कल वीडियो में रखा भी था। इसके बाद अगर बात करें हम लोग अगले एथलीट की, ये नाम आ जाता है इसके अंदर फिल हीथ का। अब फिल हीथ ने लगभग आज से 1.5 दिन पहले अपना ये एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, उनके एब्स आपको दिखाई देंगे, उनकी बॉडी आपको पूरी दिखाई देगी। उन्होंने ये लिखा कि 5 LBS उनका वेट ऊपर जा चुका है, ट्रेनिंग कर रहे हैं वो और पास्ता खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं बेसिकली। उन्होंने साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा वैक्यूम भी पुल करा और अच्छे खासे अभी वो ब्लोटेड चल रहे हैं, अच्छी खासी बॉडी ने वाटर पकड़ रखा है। एक तरह से आप समझ लो एक बॉडी बिल्डर अगर ऑक्सीजन में होता तो कैसा दिखता है, ये वही वाला इनका लुक है। उसके साथ में इन्होंने हल्का सा वैक्यूम पुल करने की कोशिश करी। यहाँ पर कई लोग अभी भी ये बात लिख रहे हैं कमेंट के नीचे कि ये स्कार कैसा आ रहा है इनके एब्स के अंदर में। अभी भी कई लोगों को ये बात नहीं पता कि ये एक्चुअली में 2 हर्निया सर्जरीज जो इनकी हुई थी लगातार उस वजह से हुआ है। तो फिलहाल ने ये बात वैसे भी बताई रखी है पब्लिक डोमेन में, लेकिन एब्स भी कंट्रोल हो रहे हैं, बॉडी भी अच्छी दिख रही है। बॉडी का साइज़ डेफिनेटली उस लेवल पे नहीं है, शोल्डर्स उतने बड़े नहीं हैं। क्या फिलहीत इन सब चीज़ों को वापस से ग्रो करके आएंगे स्टेज पे कभी ना कभी, इस चीज़ का उन्होंने अभी तक भी दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कोई हिंट नहीं दिया है। देखो फिलहीत इस साल मिस्टर ओलंपिया में आने तो वाले हैं पूरा ओलंपिया होस्ट करने, जो पेपर व्यू इवेंट इनका रहता है जिसके लिए आपको पैसे देकर के ओलंपिया हम देखते हैं ना, उसके अंदर कमेंट्री करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई इनके साथ में, इन्होंने ऑफिशियल रिटायरमेंट नहीं ली। सारे एथलीट्स डेक्सटर जैक्सन, जे कटलर, रॉनी कोलमैन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सब लोगों ने स्टेज पे बोल करके रिटायर कराया कि मैं जा रहा हूँ। फिल ने वो चीज़ नहीं करी, तो रिटायर हुए नहीं है और कमेंट्री करने आ रहे हैं। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा फैंस चले जाते हैं कन्फ्यूजन में, काहे ग्रीन के साथ में भी यही सेम प्रॉब्लम थी। तो फिल ही अगर ये चीज़ अभी भी बोल देना कि मैं रिटायर हो रहा हूँ बिना कम्पीट करे भी, तब भी वो एक रहता है कि हाँ चलो अब इस एथलीट को हम उस तरीके से नहीं देखेंगे, एक वो होप तो नहीं रहेगी। अभी वो होप है, अब फिर ऐसा लगता है यार ये एथलीट फिर कम्पीट क्यों नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ एथलीट को सामने से अगर क्लियर कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी देखो यार उनकी मर्जी, उन्होंने लाइफ में जितना अचीव करा है वो बहुत ज़्यादा करा है, उनको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, बस एक पॉइंट पे क्लैरिटी आ जाती है तो अच्छा रहता है, क्योंकि इनकी फिजिक अच्छी मेंटेन्ड है और ये चाहें तो दोबारा से स्टेज पे आ सकते हैं। इनके पास वो सारी चीज़ें अभी हैं और बॉडी जीत तो नहीं सकती ओलंपिया, लेकिन एक अच्छी प्लेसिंग अभी भी ला सकते हैं, टॉप 5 के अंदर फिल्म का आना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये इनका अपडेट है, ये इनकी फिजिक है और एक अच्छा खासा ब्लॉकिंग सेक्शन है इनका। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले एथलीट पे और यहाँ पर बात करते हैं 2 एथलीट्स की एक साथ। ये आता है नाम हार्डी शुपन और डेरेक लंसबर्ग का। अब देखो हार्डी और डेरेक दोनों के दोनों करना शुरू कर चुके हैं ट्रेनिंग हैनी रैम्बॉर्ट के साथ में, उनके अपने हेडक्वार्टर्स में जो उनका इगोजन का रहता है। हैनी ने बताया, कह रहे मेरे दोनों एथलीट्स का भी ये प्लान मैंने उनको दिया हुआ है कि हार्डी तो कर रहे हैं वॉल्यूम ट्रेनिंग और वहीं डेरेक जो कर रहे हैं वो कम वॉल्यूम पे है। उनका एम है डेरेक लंचपॉट के साथ में कि वो ज़्यादा कनेक्ट अपनी मसल्स के साथ में बना पाए, अपनी चेस्ट को वो ज़्यादा फील कर पाए। इससे क्या मतलब है? मतलब ये है दोस्तों कि डेरेक के साथ में हमेशा आपको पता है चेस्ट के अंदर फुलनेस और फाइबर्स की कमी रहती है। तो हैनी ने उनको पूरे साल के लिए ये बताया कि तुम ना अपने रेपिटेशंस को थोड़ा सा स्लो कर लो, मतलब जो अपना टेम्पो है रैप्स को मारने का वो थोड़ा स्लो कर लो और वेट को थोड़ा सा कम कर लो। तो इसीलिए डेरेक के साथ में ये अप्रोच है कि वो वॉल्यूम ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, वो मेनली मसल के साथ में अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। और डेरेक कह रहे हैं कि कनेक्शन मेरा फिनोमिनल बन रहा है, वो अपनी चेस्ट को अब ज़्यादा पहले से फील कर पा रहे हैं। तो डेरेक कर रहे हैं कम वॉल्यूम वाली ट्रेनिंग पर कनेक्ट ज़्यादा बना रहे हैं, हार्डी कर रहे हैं ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेनिंग और थोड़ा सा हैवी वेट भी उठा रहे हैं। हैनी रैम्बॉर्ट ने यह भी बताया कि जो चीज़ आप पे पिछले साल तक वर्क कर रही थी ऐसा नहीं है कि वो इस साल भी आप पे काम करेंगे, इसीलिए उन्होंने लगातार अपने इन दोनों एथलीट के प्लान को और एक अप्रोच को चेंज करवाया। तो हार्डी के अंदर अगर अभी आप देखोगे कपड़ों के ऊपर ही अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये दोनों एथलीट्स वेस्ट के अंदर भी दिखाई नहीं दिए, तो हार्डी की बॉडी लग रही है ज़्यादा ग्रेनी, जो जेनेटिकली ही ज़्यादा ग्रेनी है, उनके हाथ में ज़्यादा वेन्स दिख जाएगी। डेरेक की बॉडी अभी लग रही है उनके कंपैरेटिवली सॉफ्ट, पर डेरेक के जेनेटिक्स ही इस तरीके से है, वो अपनी ग्रेनीनेस के लिए नहीं जाने जाते, उनकी बॉडी में वो मसल मैच्योरिटी है ही। कोशिश तो यही है कि डेरेक लंचपॉट की चेस्ट में डेरेक की बॉडी में पहले से ज़्यादा हार्डनेस आए, पर वो एक टाइम का भी गेम है। हैनी ने बताया कि हार्डी की एज अभी 36 ईयर्स की है, डेरेक की एज 30 ईयर्स की है। शोज़ भी हार्डी ने 40 के करीब खेले हैं, डेरेक ने 14 शोज़ खेले, तो फ़र्क है और ये फ़र्क रहेगा भी। फिलहाल काफ़ी सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार भी हार्डी तो इनसे ऊपर ऊपर ही रहने वाले हैं। इसमें आपका क्या कहना है दोस्तों? दोनों के दोनों एथलीट्स
एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेन करते हैं। थोड़ा मेरे को वो फ्रैंको और आर्नोल्ड वाला सीन यहाँ पर याद आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे के कंपेटिटर है पर साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब इनमें से फ्रैंको कौन है, आर्नोल्ड कौन है, वो आप देख लो। आई थिंक आप ये लिखोगे कोई भी नहीं। खैर ये सिनेरियो कंपेयर कर रहा था मैं बस। अब ऐसे में एक कोच का पता नहीं क्या ही माइंडसेट रहता होगा, एक एथलीट को अगर जितवाने की सोचेगा तो दूसरे को हरवाना गलत हो जाएगा। उसको तो दोनों को ही बेस्ट से बेस्ट निकलवाना है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही एथलीट्स उसके अपने हैं, तो किसको जितवाएगा, किसको वो ज़्यादा एडवांटेज अपनी तरफ से एज देने की कोशिश करेगा। ये तो हैनी रंबोट के अपने डिसीजंस होते हैं, वो भाई बहुत ऊपर के लोग होते हैं, उनकी सोच अपनी बड़ी क्लियर भी होती होगी। जो उनका काम है उसको लेकर के वो ज़रूर से ईमानदार रहते होंगे, ऐसा मैं होप करके चल रहा हूँ। और डेरेक और हार्डी को दोनों को वो बेस्ट तरीके से अप्रोच करवाएंगे टाइटल जितवाने के लिए। कुछ वैसा गेम हो गया, चेस नहीं खेलते कुछ लोग, दोनों तरफ से अपनी साइड से खेलते हैं, मतलब खुद ही अकेले चेस खेल लेते हैं, तो ये वो वाला सीन चल रहा है। देखते हैं डेरेक की बॉडी में जो चेस्ट उन्होंने अच्छे से और पहले से ग्रो करी है, जो माइंड मसल कनेक्शन बनाया है, अपनी चेस्ट को ज़्यादा फील कर पा रहे हैं कि सही में स्टेज पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी उस तरीके से, उनके चेस्ट में फाइबर्स पड़ते हुए नजर आएंगे हमें। और हार्डी चुपन तो एकदम रॉक की तरह हार्ड वैसे ही हो चुके हैं, तो उनका जीतना अभी भी लग रहा है कि ज़्यादा कन्फर्म है एज कम्पेयर टू डेरेक। बाकी डेरेक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और हार्डी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दोनों की अप्रोच काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, दोनों की रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है और दोनों ट्रेनिंग अभी साथ ही करते रहेंगे आने वाले 14 दिनों तक। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अगला एथलीट की, तो ये नाम आ जाता है इसमें जेरेमी गोंडिया का। अब जेरेमी ने रिसेंटली अपनी फिजिक तो नहीं दिखाई लेकिन अपनी शक्ल दिखा दी, और एक्चुअली में ये कहते हुए नजर आए कि आई डोंट इवन लुक लाइक मी, क्योंकि सही में ये फेस डेथ फेस कहलाता है बॉडी बिल्डिंग की भाषा में। मतलब कुछ बचा ही नहीं अब आपके अंदर निकालने के लिए, सब कुछ तो आप निकाल चुके हो, चर्बी तो बची नहीं, मुँह के ऊपर कुछ जरा सा मास तो बचा नहीं है, तो मुंह अंदर पिचक जाता है, बिल्कुल गालों के अंदर गड्ढे बढ़ जाते हैं। और स्पेशली जब आप ट्रेनिंग करते हो, और उसके अंदर भी मैं पिन पॉइंट करती हूँ, जब आप लेग्स मारते हो ना तो आपका फेस एकदम अंदर सकटिन हो जाता है। ट्रेनिंग तो लगातार कर ही रहे हैं, हो सकता है लेग्स के बाद का ये शॉर्ट हो। फिलहाल जेरेमी ने अभी से कुछ दिनों पहले अपनी ये वाली फिजिक दिखाई थी, इसके लिए काफ़ी सारे लोग उनके सपोर्ट में आए क्योंकि उनकी फिजिक इसमें सही में काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन वहीं कई सारे लोग ये भी मान के बैठते हैं कि भाई ये फिजिक काफ़ी नहीं है इनको मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनाने के लिए। देखो मैं बता दूं, जेरेमी का ये बेस्ट फिजिक है, मैंने तो आज तक इतने अच्छे जेरेमी गोंडिया कभी नहीं देखे, इतने अच्छा मास, इतने अच्छे प्रोपोर्शन, और ये कंप्लीट जेरेमी है मेरे हिसाब से, अगर फ्रंट से फ्रंट की लुक की बात करूँ। लेकिन स्टिल ये भी सच बात है कि आज का कॉम्पिटिशन मेंस फिजिक का इतना हाई चला गया है ना, एरिन बैंक्स अभी के जितने भी एथलीट्स हैं कम्पीट करते हुए, उनके आगे जेरेमी गोंडिया यार एक्सपोज हो जाएंगे, नहीं स्टैंड कर पाएंगे। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है जेरेमी के साथ में, उनकी बैक। आप इनके पुराने अभी कुछ 3-4 हफ्ते पहले के शॉर्ट्स भी उठा करके देख लो, बैक में वो साइज ही नहीं है, वो डेप्थ ही नहीं है, वो मास अगर नहीं होगा तो वो कहाँ जीत पाएंगे एरिन के आगे या फिर कायरन के आगे। तो आजकल सारे एथलीट्स बड़े तगड़े तगड़े हो गए हैं, ब्रैंडन बहुत तगड़े हो गए हैं, तो ऐसे में जेरेमी का जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ अपनी तरफ से यार ये एथलीट बेस्ट करके चल रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हाँ जेरेमी इसी के साथ साथ अगर बात करूँ तो अपने एब्स के एरिया में भी एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि एरिन के एब्स बहुत अच्छे हैं, कायरन के बहुत अच्छे हैं, ब्रेंडन हेंड्रिक्सन के भी बढ़िया एब्स हैं यहाँ पर। इसीलिए जेरेमी गोंडिया बहुत अच्छे होने के बाद भी काफ़ी नहीं पड़ेंगे इन सारे एथलीट्स को हराने के लिए। फिलहाल इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में दिखाई दे रहे हैं, और जो जितना कर सकते उतना कर रहे हैं ये। तो आपका जेरेमी गोंडिया के लिए क्या सोचना है? फिलहाल प्रिडिक्शन आएगी मेंस फिजिक की, अगली प्रिडिक्शन वीडियो वही है, तो उसमें सारी हम बातें करेंगे अभी दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले डिवीजन पे, मेंस फिजिक। तो यहाँ पर एकदम झटका लगा, और अचानक से हमारे रेनिंग चैंप जो पहले से डिसाइड करके बैठे थे कि वो इस शो में कम्पीट करने वाले हैं, और चैलेंज भी करके बैठे थे जिसमें हिम्मत हो मेरे को हरा के दिखाओ, इस शो में आखिरकार आए और हार गए। अब यहाँ पर हराने वाले उनको कायरन होल्डन रहे। इस शो में कायरन ने अपनी जगह बनाई और जीत कायम करी दूसरे शो की विक्ट्री के साथ। इससे पहले भी इन्होंने शो खेला था डेटोना प्रो, और उसके अंदर भी जीते थे, अब दोबारा कायरन जीत गए। तो कायरन ने डेटोना में जो अपना एक कमबैक कराना फ्रॉम क्लासिक फिजिक टू मेंस फिजिक, वो बहुत ज़बरदस्त था। उस शो की फिजिक इनकी बेस्ट फिजिक मुझे लगी थी, और यहाँ पर भी इन्होंने कुछ हद तक वही फिजिक रिपीट करके दिखाई। कायरन बहुत फुल, बहुत ड्राई, एकदम शार्प लग रहे थे, और अपने सिग्नेचर पोज के साथ में बहुत खतरनाक वाले अपने ऑब्लिक्स दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है चाकू से काट काट के बनाए गए हो, जबरदस्त ड्राई शार्प फिजिक है। लेकिन एरिन बैंक्स यहाँ पर क्यों हार गए? क्योंकि एरिन जब इस वाले शो में आए तो ये वो एरिन बैंक्स नहीं थे जो पिछले साल हमने ओलंपिया में देखे, एकदम शार्प जो उनकी फिजिक होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं लग रहा था कार्ब लोडिंग के प्रोटोकॉल में गड़बड़ हुई, और स्टमक सेक्शन उस तरीके से एकदम लीन डाउन नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ब्लोटिंग है, मे बी ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कॉम्पिटिशन डे वाले दिन, और इस वजह से फिजिक में वो रिफाइनमेंट नहीं आ पाई, वो पतली स्किन नहीं दिख पाई, और वो शार्पनेस के कारण ही सिर्फ ये हारे, नहीं तो स्ट्रक्चर, शेप और हर चीज़ में एरिन बैंक्स यहाँ पर कायरन से ऊपर ही है।
तो अभी एरिन ने पहली बार हार का स्वाद चखा, और ऐसे में सबसे बड़ी बात है जीत करके जब आप रेनिंग मिस्टर ओलंपिया चैंप को मेंस में जीतते तब आप हार जाओ तो बहुत बुरा लगता है। तो एरिन जितना ज़्यादा एक हमेशा से घमंडी रहते हैं क्योंकि इनको लगता है इनको कोई हरा नहीं सकता, इस बार इस वाले शो में हार गए। लेकिन ये मैं कोई इनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि किसी भी एथलीट के साथ किसी भी टाइम पे हो सकता है। यहाँ पर अभी ऐसा हुआ ना, तो अब लगता है एक बारी को कि कंसिस्टेंसी क्या इस एथलीट की अच्छी है, क्या ओलंपिया में ये एथलीट अपने आप को वापस से प्रूफ कर पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी इनको। और यहाँ से एक ना रेपुटेशन भी ख़राब हो जाती है कि अब रेनिंग चैंप ही हार करके बैठा है तो फिर अब कौन बनेगा इस साल का नया चैंप। छोटे छोटे शोज ही होते हैं रेपुटेशन को बढ़ाते हैं और वही शोज गिरा भी सकते हैं। यहाँ पर एरिन की रेपुटेशन से ख़राब हुई और कायरन की ऐसी हो गई कि कहीं ये तो फर्स्ट में नहीं आ जाएंगे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कायरन होल्डर इतने तगड़े एथलीट है, एरिन कायरन ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ये तीनों टॉप थ्री में आने चाहिए, ये इतने तगड़े एथलीट हैं। कायरन यहाँ पर जिस तरह एरिन को अभी हरा करके गए हैं आज के इस वाले शो में, इससे लगता है कि ये बहुत अच्छा ओलंपिया में भी परफॉर्म करेंगे। हालांकि मैं अभी भी ये मान के बैठा हूँ कि ओलंपिया में एरिन बैंक्स इनसे ज़्यादा ऊपर की प्लेसिंग लेकर के चले जाएंगे, हो सकता है एरिन सेकंड भी आ जाए, लेकिन कायरन को हरा देंगे ऐसा मुझे अभी भी लगता है। बाकी ओलंपिया की बात ओलंपिया की प्रिडिक्शन में, अब रेपुटेशन कायरन की ऐसी तो हो गई है कि उनको जेरेमी से भी कंपेयर किया जा रहा है और ये भी ऐसे सब फोटोज निकल के आ रही है। तो यही मैं कह रहा हूँ, शोज ये होते हैं जो रेपुटेशन को बनाते हैं और रेपुटेशन को बिगाड़ते हैं ओलंपिया तक जाते जाते। लेकिन फिलहाल इस शो के रिजल्ट कुछ इस तरह गए कि पहले पे आते हैं कायरन, सेकंड पे आते हैं एरिन बैंक्स, और थर्ड पर आते हैं हमारे फेवरेट आंड्रे फर्ग्यूसन। बाकी आंड्रे तो अपनी धुन में ही चलते हैं, हारे जीते उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ओलंपिया में आए ना आए उससे उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बॉडी में कोई चेंज करना है उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल तो चेंज करना एक बहुत ही बड़ी डिमांड हो गई है मेंस फिजिक की। अब वो फिजिक नहीं चलेगी जो आंड्रे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन के साथ मिलकर उस टाइम पे कम्पीट किया करते थे ओलंपिया में। आज ब्रेंडन कितना आगे निकल गए पर आंड्रे पीछे से भी और ही पीछे हो गए, और इस वक्त पे आप देखोगे आंड्रे की एक बिग ब्लॉकी वेस्ट और एट द सेम टाइम बिल्कुल छोटे एमेच्योर शोल्डर्स, ये शोल्डर्स पहले से भी और छोटे लग रहे क्योंकि वेस्ट ज़्यादा बड़ी हो गई। तो उनके फिजिक में मैंने बताया इनको इंप्रूवमेंट करना हो ना करना हो इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किस तरह खड़ा होना है पोस्चर कैसा मेंटेन करना है इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये टून होके ना आए तो इससे उनको बहुत फर्क पड़ता है। ये इनकी थर्ड प्लेसिंग है और ये इनका बेस्ट था। इसके बाद अगर दोस्तों अगला अपडेट आ जाता है नाथन डे आशा के ऊपर, अब नाथन ने देखो नाथन के साथ आपको पता होगा मैंने जो ये अभी लास्ट प्रिडिक्शन वीडियो डाली थी उसमें मैंने इनको प्रिडिक्ट किया ही नहीं था, क्योंकि इनका यही क्लियर नहीं है कि ये US आएंगे या नहीं आएंगे, और वीडियो एडिट करते करते ही इस चीज़ का आंसर मिल गया, इनका अपडेट आ गया कि ये US नहीं आएंगे, इनका वीज़ा नहीं लग रहा है, जो US में बॉर्डर कंट्रोल वाले लोग हैं उन्होंने इनकी एंट्री पे बैन लगा दिया। तो नाथन के वही पुराने क्राइम रिकॉर्ड्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से इतनी चलती आ रही है कि इनको US कभी वीज़ा देता ही नहीं है इसीलिए आ नहीं पाते वो। तो यही लग रहा था कि इस बार तो आना चाहते हैं और इस बार खेल ही लेंगे, लेकिन वीज़ा ही नहीं लगेगा तो इंसान आएगा कैसे, एंट्री नहीं ले सकता, दाखिल ही नहीं हो सकता उस देश में, तो उनके साथ फिर वही वाली दिक्कत और ये ओलंपिया के बाहर रहने वाले हैं। जबकि अभी हाल ही में इन्होंने अपना अपडेट शेयर करा था और इन्होंने ये भी लिखा था कि फ़्लाइट कैंसिल्ड, मतलब ये आ रहे थे US और उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, फिर अगली फ़्लाइट पकड़ते, लेकिन सब चीज़ें वही फिर से वीज़ा इशू और अनफॉर्चुनेटली इनको बाहर बैठना पड़ेगा, तो इसीलिए प्रिडिक्ट मैंने इनको किया भी नहीं था। फिलहाल यही इनका अपडेट है, आ जाते तो थोड़ा बहुत ओलंपिया एक्साइटिंग हो जाता क्योंकि एक ही पुराना एथलीट अभी बचा हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं जो बड़ा एथलीट है वो है ब्रेंडन करी, और उनके टाइम के सारे एथलीट्स देखो करी 2011 से है ओलंपिया में, तो उस टाइम से अभी तक और कोई रहा ही नहीं है। नाथन डे आशा वो भी उनके बाद ही आए हैं, वो भी अब पुराने में कंसिडर हो गए हैं, तो वो आ जाते तो ये भी एक चीज़ हो जाती कि दो एथलीट्स तो पुराने आ जाते हैं, लेकिन अब सारा पूरा लाइनअप ही नया है, तो नया दौर नए एथलीट्स नया ओलंपिया। खैर फिलहाल तो यही थे दोस्तों सारे के सारे आज के अपडेट्स, आप बताओ आपको वीडियो लगी कैसी, और कंटेंट बस आता ही रहेगा उस चीज़ के लिए, अब आप लोग चिंता मत करना और जितने भी चीज़ें हैं सब लाता रहूँगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।